इब्ने हजर ने अज़्ज़वाजर के अंदर एक रिवायत लिखी है। वो फरमाते हैं जो शख्स नमाज तर्क करता है उसको बहुत सारी रुसवाइयां हैं। वो कहते हैं पहली बात तो यह है कि उसकी उम्र में बरकत उठा ली जाती है, दूसरी बात उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उतार लिया जाता है, तीसरी बात वो कोई भी अमल करे उसका सवाब नहीं मिलता उसे, चौथी सजा दुनिया पर उसको ये मिलती है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, और पांचवी सजा उसके लिए ये है कि उसके लिए जो नेक लोग दुआ करते हैं उन दुआओं का हिस्सा उसे नहीं मिलता। मोमिन नेक सहरी उठ के दुआ मांगते हैं अल्लाह पूरी उम्मत पर करम कर ले, तो ये भी उम्मत में शामिल है। दुआ अल्लाह वाले की तो कबूल हुई लेकिन इसका हिस्सा नेक लोगों की दुआओं से निकाल दिया गया। ये दुनिया पर उसको सजाएं हैं, और जब वो मरने लगता है नजा के वक्त तीन उसको सजाएं मिलती, एक तो भूखा मरता है, दूसरा प्यासा मरता है, तीसरा जलील होकर मरता है, और कब्र के अंदर उसको तीन सजाएं। हजरत इमाम इब्ने हजर कहते हैं एक तो उसकी कब्र तंग कर दी जाए, हत्ता की इधर वाली पसलियां उधर और उधर वाली पसलियां इधर, दूसरा उसकी कब्र में आग डाली जाएगी, जो अल्लाह के हुजूर नहीं छुपता उसकी कब्र इस लायक है कि उसमें आग डाली जाए, और तीसरी उसके ऊपर एक अजदहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम है शजाउल अकरा, और जब वो डंग मारेगा तो 70-70 गज तक वो शख्स जमीन में डगस जाएगा, और वो मुसलसल ये डंग मारता रहेगा। और कहा कि तीन सजाएं उसको हशर में पहुंचेंगी, एक तो उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, दूसरा अल्लाह ताला जल्ला शानहु अपने कहर गजब का उस पर इजहार करेगा, और तीसरी उसको सजा ये दी जाएगी कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मैं और आप आज की इस बज़्म में ये पुख्ता आज़म करके उठें कि आज हम खुद भी और अपनी औलाद को भी अपने दोस्तों को भी, मेरे वालदे गिरामी फरमाया करते थे जिससे दोस्ती होना उसकी उंगली पकड़ के दीन की राह पे ले आओ, ये दोस्ती का हक है, उसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन अगर उसको दीन नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। कोशिश करो मेरा दोस्त हो और जहन्नम में जाए। वालदैन बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कितनी कोशिश करते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं मुस्तकबिल ठीक हो जाए, यूनिवर्सिटियों के अंदर कॉलेजों के अंदर कितनी भारी फीसें भरते हैं, मैंने देखा बूढ़ा बाप अपनी कमर पर बोरियां लाद के मजदूरी करता है, माए अपना जेवर बेच रही है कि औलाद पड़ जाए, यहाँ इतना कुछ क्यों कह रहे हो जी मुस्तकबिल ठीक हो जाए। ये मुस्तकबिल कितना है, 20-25 साल का, और जो असल मुस्तकबिल है उसकी फिक्र ही नहीं किसी, असल मुस्तकबिल तो वो है अल्लाह अकबर, किसी का इंटरव्यू होता है लोग कहते हैं जनाब दुआ करो कि इस इंटरव्यू में वो कामयाबी से गुजर जाए, मैं कहता हूं जब कब्र में उतरता है फिर किसी ने आकर कभी नहीं कहा कि दुआ करो मुश्किल घड़ी आ गई है खैरियत से गुजर जाए, असल इम्तिहान तो ये है, अगर इस इम्तिहान से गुजर गया तो कामयाबी और बामुरादी। ये थोड़ा सा मुस्तकबिल दुनिया का उसके लिए हम कितने पैसे लगा देते हैं, सब कुछ औलाद को आता है, हर शहर फर फर पढ़ते और बोलते हैं, दुआए कुदूत भी नहीं आती होती, तो हम अपनी औलाद के लिए दीन का तोहफा इसको कभी ना छोड़े। अच्छा बास वालदेन की एक सुस्ती है, वो आते जनाब तवीज कर दो हमारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, कहते जी हमारी तो चलो गुजर गई हम तो नहीं पढ़ते, ये तो पढ़े, मैं कहता हूँ ये क्यों पढ़े जब तुम नहीं पढ़ते, तुम मुझसे तावीज लेने आ गए हो जो तावीज अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिया था कि 7 साल के हो तो पकड़ के उंगली मस्जिद का रास्ता दिखाओ, 10 साल के हो जाए तो मार के पढ़ाओ, उनके सीने में अल्लाह का खौफ दाखिल करो, उनको कुरान की तिलावत सिखाओ, अल्लमो औलादकुम सलासा हिसाल, अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ, हुब्बा नबी यकुम एक अपने नबी का प्यार सिखाओ, वह हुब्बा अहले बैत ही रसूलुल्लाह के अहले बैत का प्यार सिखाओ, वह तिलावत अल कुरान और कुरान का पढ़ना सिखाओ, छीन लो सीढ़ियां उनके हाथों से गाने वाली, छीन लो उनके हाथों से नावल और उनके हाथ में कुरान दे दो। कितने खुश नसीब दिन थे, गलियों से गुजरते थे घरों से कुरान के पढ़ने की आवाज आती थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो।